नमस्कार, द चेताली गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सत्तू के पराठे बनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सत्तू के पराठे बनाना। सत्तू के पराठे बनाने के लिए हमने एक बाउल गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी सत्तू, ये चने के सत्तू हैं, और घर का बना हुआ हमने अचार लिया है। अगर घर का ना हो तो आप बाज़ार का ले सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच जीरा, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के टुकड़े जिसको कि हमने बारीक काट लिया है, दो प्याज इसको भी हमने बारीक काट लिया है, आधा नींबू, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं हमने। अब हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। आटा तैयार करने के लिए अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि सत्तू में भी अभी नमक डालना है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। आटा हमको ज़्यादा ढीला नहीं गूंथना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। थोड़ा टाइट ही आटा गूंथेंगे। ये देखिए, हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक सत्तू तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन में सत्तू लिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। आटे में भी नमक डाला है, अभी हम इसमें अचार डालेंगे, उसमें भी नमक होगा। जीरा, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने प्याज डाल दिया है, धनिया के पत्ते, अब हम इसको आपस में अच्छे से मिलाएंगे। के बाद हम अचार डालेंगे। ये हमने इसमें थोड़ा सा अचार का तेल भी लिया है और मसाला भी लिया है। ये घर का बना हुआ आम का अचार है। अगर आपके पास घर का बना हुआ अचार नहीं है तो आप बाजार का अचार भी थोड़ा डाल सकते हैं। अब हम आम के अचार से गुठली को अलग करेंगे हाथों से मसलते हुए। अब हम इस अचार को अच्छे से मसल के सत्तू में मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से मिलाना है, कहीं अचार ज़्यादा या कम ना हो जाए, इसलिए बराबर बना रहे हैं, इसलिए हाथों से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाएं हाथों से ताकि सब तरफ अच्छे से नमक वगैरह मिक्स हो जाए। ये हमने सत्तू तैयार कर लिया है। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। ये हमने आधा नींबू लिया है। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो नींबू ना डालें। दो चम्मच पानी भी मिला सकते हैं ताकि सत्तू में थोड़ा गीलापन आ जाए। इसको भी मिला दें। अब हम आटा देखेंगे। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लोई को। सूखा आटा लगाकर बेल लें। अब हम इसमें सत्तू भरेंगे। हमने दो चम्मच सत्तू लिए हैं इसमें। सत्तू ज़्यादा ही भरेंगे तभी सत्तू के पराठे अच्छे लगते हैं। और धीरे से ये चुन्नट बनाते हुए भर देंगे और लोई को बंद करके इस तरह से हल्का सा दबाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई बना लेंगे। थोड़ा सा आटा लेकर उसमें सूखा आटा लगाया, थोड़ा सा बेलेंगे। Thank you.
अब हम इसमें सत्तू भरेंगे। लगभग 2 चम्मच सत्तू आ जाते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से आराम से उठाते हुए चुन्नट बनाते हुए एक हाथ से सत्तू को अंदर की तरफ दबाएंगे और बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी लोई तैयार हो गई है। अब हम इसका पराठा बेलेंगे। सूखा आटा लगा के देखिए इस तरह से बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें सत्तू बहुत ज़्यादा भरे हैं हमने, तो वो सत्तू बाहर को आ जाएंगे। तवा गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम पराठा सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। अगर आपको पतले पराठे पसंद हैं तो सत्तू कम भरे और पतले पराठे बेल सकते हैं। इसको चेक करें, अभी अच्छे से नहीं सिका है। जब ब्राउन हो जाए तभी इस पराठे को पलटें। ये देखिए, अब ब्राउन हो गया है, चिट्टी बन गई है। अब हम आपको एक तरीका और बताएं लोई बनाने का। ये देखिए, इस तरह से हमने आटा लिया और हाथ से कटोरी की शेप देंगे आटे की। ये देखिए, इस तरह से हाथों से दबाते हुए अब हम इसमें सत्तू भरेंगे। हाथ से दबाकर और इस तरह से हम हाथ में रख लेंगे। ये देखिए, हाथ में इस तरह से हम रख के दबाएंगे तो अच्छे से भरा जाएगा, और इस तरह से दबा भी सकते हैं। आप दोनों तरह से बना के देखिए, जिस तरह से आसान लगे वैसे बनाएं। बेलने का तरीका वही है। इससे थोड़ा सा तेल लगाएं और दोनों तरफ पराठे अच्छे से सेके तेल लगाकर। इसी तरह से हम दोनों तरफ दबा कर पराठे को सेक लें। हमारे सत्तू के पराठे बनकर तैयार हैं। सत्तू के पराठे हम ताजे दही के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं, और अगर कोई भी सवाल हो, जैसे रेसिपी बनाते समय कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर जाना है और अपनी परेशानी लिखनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समय पर अच्छी सलाह दे सकूं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट कॉलम में। आपके सुझावों से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूंगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आप मेरे वीडियो और फोटोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगला वीडियो आने तक हेल्दी रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।